हाय गाइस, एडुकल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी उससे रिलेटेड हम दो तीन टॉपिक्स कर चुके हैं। अब जो है इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक काम जो आप लोगों को करना है वो क्या है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आएँ वो आप तक पहुँच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कब शुरू की गई, क्या इससे रिलेटेड चीजें थी, वो सारी चीजें हम प्रीवियस अपने लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो लेसन्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के जो कंपोनेंट है वो क्या है, घटक जो हम जिसे बोलते हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप प्लानिंग एंड फॉलोइंग प्रोसेस ओरिएंटिंग मेथोडोलॉजी, बिल्डिंग टीम एंड सपोर्ट, आइडेंटिफाइंग एक्सपर्टाइज इन द वेरियस फील्ड ऑफ वर्क। अब सबसे पहले तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, इसका मेन जो प्रोसीजर है, जो मेन जो काम है, मेथोडोलॉजी जो इसकी है, ये क्या करती है, टीम को बिल्डअप करती है। आपने प्रीवियस अपने जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी बार बार, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेस करती है। अगर पहली जो थ्योरीज हैं उसको हम स्टडी करें तो वो मटेरियलिस्टिक थ्योरी थी, बट ये जो है वो बेस करती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। तो जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आता है तो हम फोर्स फोकस करते हैं किस पे, टीम वर्क पे। और ये क्या करती है कि एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं, टीम को ढूंढते हैं, सपोर्ट जो है सिस्टम को ढूंढते हैं, और इसके आगे जो है वो प्रोसेस को स्टार्टअप करते हैं। प्लानिंग होती है, प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, मेथड को एक अडॉप्ट करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं, अगर कोई हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, तो प्लानिंग तो बट नेचुरल है, उसमें होनी ही होनी है। इसके साथ साथ अगर कोई मेथड है कि इस चीज़ को चलाने का प्रॉपर एक प्रोसेस है, एक मेथड है, हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। टीम वर्क होगा, सपोर्ट होगा, एक्सपर्ट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद हम उस फील्ड में आगे जो है काम करेंगे। अब इसके कंपोनेंट्स, घटक जो है वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही चीज़ आती है कि प्लान जो किया जाए उसको, प्रोसेस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, टीम वर्क क्या है, सपोर्ट कौन कौन सी रहेगी, और इस फील्ड में कौन कौन से एक्सपर्ट हैं जो हमें राय दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टार्ट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट सिनेरियो। सबसे पहले तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीज़ देख रहे हो, तो ये क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ में ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ, तो किसी भी फील्ड में अगर जाओगे आप तो कोई ना कोई चीज़ ऑलरेडी उसमें काम कर रही होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एडुकेशन के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेस जो है चल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लेटेस्ट लाना है, कुछ क्रिएटिव लाना है, तो हमें क्या करना है, आइडियाज़ को डेवलप करना है। क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे पास होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट सिनेरियो, जो इस वक्त का जो सिनेरियो चल रहा है, जो प्रेजेंट पोजीशन है, हम उसको ध्यान में रख के क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम अगर इस फील्ड में काम करने जा रहे हैं तो एट प्रेजेंट उसकी सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करेंगे। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड अ क्लियर रोड मैप टू अचीव देम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, प्री डिफाइंड होना चाहिए पहले से ही। हम रोड मैप बना लेते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपने करनी है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका एक मैप बनाते हो, चार्ट बनाते हो कि ये चीज़ें हमने करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे। और ये प्री डिफाइंड होना चाहिए कि हमारा लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, उसके आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन फर्स्ट जो हम लेकर चल रहे हैं, ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये हम क्या करेंगे, पहले से ही डिजाइन करके रखेंगे। उसके बाद है नो सेल्फ सर्विंग मोटिव। अब एक और चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि सेल्फ सर्विंग मोटिव नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे ही सारे बेनिफिट्स हों या मैं ही सारी जो क्रीम है वो मेरे पास रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा आप डिफाइंड, प्री डिफाइंड होना चाहिए कि मासेस को उसका बेनिफिट मिले। अगर एक को मिलेगा तो फिर नेचुरल सी बात है आपके जो सपोर्ट हैं, जो आपके साथ कोऑर्डिनेट
पता है भाई हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो हम क्यों इतना हार्डवर्क करें। तो इसलिए बेटर यही है कि हम क्या करेंगे, इस तरीके का उसे डिजाइन करेंगे कि जो सेल्फ सर्विंग मोटिव है वो क्लियर नहीं होना चाहिए हमारा। फोकस अप्रोच ऑन आइडेंटिफाइड अप्रोच। अब फोकस, एक फोकस लेकर चलना है कि हमारी जो अप्रोच है, हम जिस चीज तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस ये रास्ता है, वहां तक हम उस रास्ते से पहुंचेंगे। तो उसके लिए है फोकस्ड होना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, जब तक वो फोकस के साथ काम नहीं करेगा, तब तक वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाएगा। आइडेंटिफाइंग फ्यूचर लीडर एंड टीम। अब इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अगर आज हमने स्टार्ट किया, तो हम फ्यूचर में देखिए, अब मैं यहाँ पर हूँ, अगर आज आप पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ा रही हूँ, तो कल जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूँ या मैं उस अप्रोच को लेकर चलूँ जो फ्यूचर में अप्रोचेज आ रही हैं। तो मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि फ्यूचर के जो लीडर हैं उनको अपने साथ में, जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर ऑफ द नेशन है, उनको हम अपने साथ क्या करें, मिला के रखें, सो दैट कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना आए। वो टीम वर्क के साथ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने यंगस्टर से सीखी हैं। हम जो छोटे बच्चे हैं हम उनसे सीख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जब ये मोबाइल जो है आज के जो बच्चे यूज़ करते हैं, वो हमसे उस मोबाइल को 100 टाइम्स बेटर वे में यूज़ करते हैं। वो सभी टेक्निक्स जानते हैं, वो नई नई चीज़ें जानते हैं जो हम नहीं कर पाते। बीइंग हम टेक सेवी हैं, लेकिन फिर भी जितने वो बच्चे जानते हैं उतना हमें नहीं पता। इसलिए हमें फ्यूचर लीडर को भी अपने साथ में रखना है, जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मोटिवेट करते रहना है। रिलिंकिशिंग कंट्रोल एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पोटेंशियल टू लीड। अब क्या करते हैं, कंट्रोल जो है वो खत्म करना है इसको। हम इसे कहेंगे कि एक टाइम तक, एक लिमिट तक किसी इंसान के पास कंट्रोल जो है वो नहीं रहना चाहिए। हम थोड़ा सा फ्रीडम अगर देकर चलते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं, तो आपको अपने मोटिव तक पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंस्पायर हम करते हैं, मोटिवेट करते हैं जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें वो जज्बा है, जिनमें वो कैपेबिलिटी है, जिसमें वो फ्यूचर की जो फीलिंग्स हैं, तो हम उन लोगों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे लीड कर पाए। विदाउट मोटिवेशन बड़े कम लोग हैं जो लीड करते हैं। जब आप किसी इंसान को, जब आप किसी बच्चे को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, तो ही वो क्या करेगा, करेगा। डेवलपिंग, अब क्या क्या चीजें वो डेवलप करेंगे जब आप ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में स्टेप्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले विजन। आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो सबसे पहले हम विजन लेके चलेंगे कि स्टार्ट विद द क्रिएटिंग अ विजन। हम एक विजन, हम दूरदर्शी में जाएंगे कि हमारा फोकस क्या रहेगा, हम इतने साल बाद कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, इस विजन को लेकर चलेंगे। विजन दैट इज एक्साइटिंग एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल फॉलोअर्स। अब विजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको, आप उसे अट्रैक्ट हो रहे हो तो विजन हो गया, नहीं। विजन जो है आपका इस तरीके का होना चाहिए कि आप मासिस को क्या करो, अट्रैक्ट करो। आप देखिए, स्कूल अगर किसी में जाते हैं आप लोग, वहाँ पे बाहर क्या लिखा होता है, मैक्सिमम स्कूल्स में होता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे विजन क्या है। आप एक बार गो थ्रू जरूर होते हो कि इनका विजन क्या है। उस विजन से हम क्या लेके चलते हैं कि हाँ भाई, ये फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो हम अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। ये किसी भी कंपनी में जाते हो तो आप ये देखते हो कि यहाँ का आगे विजन क्या है, तो हम उसको लेकर चलते हैं कि हाँ, फ्यूचर में अगर इनका विजन इतना बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली हमें भी एक्सपोजर मिलेगा। सेलिंग द विजन, कॉन्स्टेंटली सेल द विजन एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ हाई पोटेंशियल। अब मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी आपने काम करना है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो जब तक आप विजन को अपने बेचोगे नहीं, बेचना इन सेंस कि आप उसको आगे मासिस तक पहुंचाने के लिए किसी भी सोर्स को यूज करते हो, और जब वो सोर्स यूज करते हो तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड होता है। अब देखिए, आप कहीं पे भी अगर किसी भी जगह पे जाके कुछ भी ओपन कर लेते हैं, आप कहते हैं जी हम स्टार्टअप करेंगे,
लेकिन जब तक वो मासिस तक उस चीज का आइडिया नहीं पहुंचेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस पर्पस के लिए इसको स्टार्टअप किया गया है, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने विजन को बेचते हैं हम कि हाँ भाई हम इस पर्पस को लेकर, हम इस विजन को लेकर हम इस चीज को इसका स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट हमें इतना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या है कि डेवलपिंग, अगर इसी चीज को डेवलप करना है तो विजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। विजन लेके चलोगे तभी आपको आगे से लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैव अ क्लियर विजन। जो लीडर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर्स हैं, उनका विजन जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर रहता है। हैव अ फेथ आइडिया अबाउट द डायरेक्शंस टू मूव एंड वांट फॉलोअर टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या है, उनमें है अपने आइडियाज में फेयर आइडियाज होते हैं, जो कोई भी उसमें मैनुपलेशंस नहीं होती हैं, कोई भी उसमें फेक आइडियाज नहीं होते हैं, क्लियर फेयर आइडियाज होते हैं और एक डायरेक्शन होती है जहां पे वो मूव करते हैं। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें। अगर एक अच्छा लीडर होगा तो सबसे पहले उसका यही आइडिया रहेगा कि मुझे अपने फॉलोअर्स को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो वो उस डायरेक्शन के लिए ऐसा ही विजन तैयार करेगा ताकि मासेस जो है उसको फॉलो करें। लीडिंग द चेंज, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चेंज को लीड करना। आप देखिए, एवरीथिंग, नथिंग इज कॉन्स्टेंट, एवरीथिंग गोज ऑन चेंज, वन थिंग इज कॉन्स्टेंट, दैट इज चेंज। अब वो चेंज जो है उसको लीड करने के लिए हमें चाहिए। आप देखिए, कभी ड्रेसेस आप डालते हो, आप हेयर स्टाइल को ले लो, आप अपने मोबाइल्स को ले लो, आप कोई भी चीज़ है वो एक जैसा नहीं रहता है, कॉन्स्टेंट नहीं है। आप क्या करते हो, उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको मॉडिफाई करते हो, तो वो मॉडिफिकेशन जब आती है उसको लीड करने के लिए। अब देखिए कि पहले हम कोई चीज़ ले, अगर आपको कुछ भी लेना है, कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी है, तो आप क्या करोगे, टीवी में देखते हो, रेडियो में देखते हो, या किसी भी न्यूज़पेपर में देखते हो कि हाँ भाई इसको किसी एक्टर ने क्या किया है, उसकी ऐड की है, तो हम उसकी तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है जिसको हम फॉलो करते हैं और वही क्या कर रहा है, हम में चेंज ला रहा है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, पोलियो की जो एड आती थी उसमें अमिताभ बच्चन थे, तो सभी को उन्होंने मोटिवेट किया कि अपने दो बूंद पोलियो की, तो सभी लोग इतना ज़रूरी नहीं है कि वो बूंदे डलवाने जाते थे पहले। हाँ, जब उन्होंने बोला, जब एक मासिस तक मैसेज गया, लोग उनको मानते हैं, उनको ही इज बेसिकली लीडर, एक्टर है बट लीड करते हैं, उसको फॉलो करते हैं सभी, तो सभी ने क्या किया, उनकी बात को सुना और आगे तक लेकर गए। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स रिमेन्स इन द फोर फ्रंट ड्यूरिंग द एक्शन। हाँ, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं ना, वो हमेशा आगे रहने चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया और आप खुद पीछे चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको भी क्या करना है, लीड करना है। जहाँ पे मासिस आपके जा रहे हैं, मासिस के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है ताकि उनकी सपोर्ट मिले और उनको भी सपोर्ट मिले, दोनों को। अगर आप खुद नहीं उस चीज़ को अडॉप्ट करोगे, खुद आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप ही लीडर ही आगे नहीं है तो वो कहाँ से आगे होंगे। तो बेटर है कि जब तक वो लीड नहीं करेगा तब तक क्या है, आगे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ऑलवेज विजिबल एंड स्टैंड अप टू बी काउंटेड। और वो हमेशा दिखना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए। बिना दिखे तो कुछ भी नहीं कहते, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। जब तक दिखेगा नहीं वो आपको, तो आप उसको क्या एडमायर नहीं करोगे, आप उसके साथ खड़े नहीं होगे, और जब खड़े नहीं होगे, काउंट नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है वो कोई भी चीज़ है जो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। स्ट्रेंथन एंड इन्फेक्ट द फॉलोअर्स विद कमिटमेंट एंड एंथुजियाज्म। अब क्या है, स्ट्रेंथन हम किससे करते हैं, कमिटमेंट के साथ। हम कमिट करते हैं, हम आपके साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और अब उस कमिटमेंट के साथ आप क्या करते हो, हमारे साथ खड़े होते हो उस जोश के साथ, जो विदाउट कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, कंटिन्यूटी में क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होती रहती है, पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपको मासिस को लेकर अपने साथ चलना है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि मासिस जो है वो चेंज होते रहते हैं।
इन सेंस कि अगर आप देखोगे एक साल बाद जो बच्चे 17 ईयर्स के हैं वो 18 ईयर्स के तो होंगे, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि वो, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो वोट करेंगे, तो वोट तो करेंगे तो उनका उनका सपोर्ट भी तो आपको लेना है ना, तो खुद की पर्सनल डेवलपमेंट भी। अब मैं लेकर चलूँ कि भाई मुझे वही पुराने बच्चों को ही पढ़ाना है, मैं नए बच्चों को नहीं, मुझे नए बच्चों को भी अपने साथ लेना है और पुराने बच्चों के लिए, और जब नए बच्चों को लेना है तो दैट मीन्स कि मेरी खुद की डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल, अब इसमें लीडरशिप के स्टाइल ज़रूर होते हैं, हर एक जो लीडर है एक स्टाइल को अडॉप्ट करता है और उसकी स्टाइल को आप लोग फॉलो करते हो, और वाइड रेंज होनी चाहिए आपको, कि एक लिमिटेड रेंज में कोई लीडर चलेगा तो वैसा नहीं है। पर्सनल वैल्यूज, विजन एंड गोल, लीडर की खुद की पर्सनल वैल्यूज होनी चाहिए, विजन होना चाहिए और गोल भी होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मेरा विजन क्या है, मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या है। रिस्क टेकिंग एंड करेज, इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो लीडर है वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए, वो रिस्क लेने के काबिल होना चाहिए और उसमें ढेर सारी करेज होनी चाहिए। री साइलेंट एंड री सल्यूट, आप ये बोल के चलो कि वो ज़्यादा चुप भी नहीं रहेगा और सल्यूट भी किसी चीज़ को मॉडिफाई भी कर देगा और सोल्यूशन भी आपको दे देगा, ठीक है। अब आगे है इंटरेस्टेड माइंड एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू अप्लाई रिसर्च फाइंडिंग। मेन चीज़ जो होती है अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक चीज़ जो मैक्सिमम चलती है दैट इज रिसर्च। आप लोगों को है उनको नहीं पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर मॉडिफाई होती है तो उसके पीछे एक रिसर्च होती है। तो जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिटिसाइज करना भी आ जाता है, विदाउट क्रिटिसिज्म हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते, जब तक किसी चीज़ की क्रिटिसिज्म नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करोगे, उसके ड्रॉबैक्स निकालोगे, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे कि मुझे इन ड्रॉबैक्स को क्या करना है, निकालना है, एक नई चीज़ अडॉप्ट करनी है जहाँ पे क्या है कि वो जो फ्लॉस थे हमारे वो खत्म हो चुके हैं। तो हम जब ये चीज़ करेंगे तो नेचुरल है कि हमारे फ्लॉस खत्म होते चले जाएंगे और नई चीज़ जो है एक बेटर वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे हम। मेजर परफॉर्मेंसेस, अब हम क्या करेंगे कि परफॉर्मेंस को मेजर कर, मेजर परफॉर्मेंसेस। अब एक और चीज़ है ये कि हम फीडबैक ज़रूर लेते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का फीडबैक ज़रूर है, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने का, मेजर करने का एक ही सोर्स है हमारे पास कि हम फीडबैक लेते हैं। जब हम फीडबैक लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ये इंसान कहाँ तक परफॉर्म कर पाएगा। ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज एंड नेटवर्किंग, अब टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी को हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो हमें वो ऑब्स्टेकल्स जो है उनको दूर करना है और टेक्नोलॉजी के साथ हमें फ्रेंडली रहना है ताकि हम उन सभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने जो गोल तक पहुंच पाए। रिकवरी ओरिएंटेड, अब रिकवरी ओरिएंटेड भी होना है कि जो चीज़ मुझे मैंने दी है उसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। साइंस सर्विस, साइंस के साथ भी उसको क्या करना है, टच में रहना है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो भी आप करते हो, कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो एक प्रॉपर एविडेंस उसके साथ होने चाहिए। इलेमिनेशन ऑफ डिस्पैरिटीज, जो हमारे पास डिस्पैरिटीज हैं, जो हमारे चीज़ों में कुछ फ्लॉस हैं, उसको क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, उसको दूर करना है। इंटीग्रेसिव प्रस्पेक्टिव, अब इंटीग्रेट करना है, एक दूसरे के साथ हमें लिंकअप करके चलना है, उस प्रस्पेक्टिव के साथ चलना है कि कोई भी एक चीज़ है उसके साथ दूसरे का क्या कनेक्शन है, ये लेकर हम चलेंगे। कंज्यूमर एंड फैमिली रिलेवेंट आउटकम्स, कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी आपके साथ, कोई भी आपका फंक्शन है, कुछ भी है, तो कंज्यूमर और फैमिली रिलेवेंट आउटकम हमारे पास आने चाहिए कि अपने जो हमारे कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई होने चाहिए और कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो जो फैमिली है उसका सपोर्ट, क्योंकि अगर सोसाइटी में रहना है तो हम उन फैमिली, सोसाइटी क्या है, जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज हम जब ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनता है, फैमिली बनती है, सॉरी ये फैमिली, जो फैमिलीज है उससे हमारी सोसाइटी बनती है। तो जब वो फैमिलीज हमें सपोर्ट देंगी तो हमारे पास जो है आउटकम जो है वो अच्छा आएगा। जब फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो बट नेचुरल है हमारे पास जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा।
नेगोशिएशन के स्किल्स भी होने चाहिए, इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिसोल्यूशन, आप क्या है, डिस्प्यूट्स जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी सॉल्व करने वाला इंसान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाते चले जाओ, डिस्प्यूट्स को बढ़ाते चले जाओ, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो वो उसका नहीं मिलेगा। ग्रुप फैसिलिटेशन होनी चाहिए, ग्रुप में आप क्या करोगे, फैसिलिटेट करोगे। कंसेप्ट मैपिंग, फ्यूचर कास्टिंग, लेटरल थिंकिंग, आप क्या है, जो कंसेप्ट है उसका उसको पहले से ही आपने ड्रॉ करके रखना है। फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं जो रिलेट करती हुई थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, प्री डिज़ाइन करनी है, सो दैट कि आप क्या करो, आगे बढ़ चलो। ये आता है किसमें, प्रोसेस टूल किट में। मैंने ऊपर मेंशन किया है, मैं डिटेल में डिस्क्राइब करती जा रही हूँ, लेकिन हाँ आप ऊपर जो है हेडिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये किसके अंडर आ रहा है, प्रोसेस टूल किट है, कि टूल किट कौन कौन सी हमें चाहिए। तो नेगोशिएशन स्किल्स हैं, डिस्प्यूट हैं, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ग्रुप फैसिलिटेशन है, कंसेप्ट मैपिंग है, फ्यूचर कास्टिंग, लिटरल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, प्रोसेस टूल किट में आती हैं। ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम शिफ्ट्स एंड लर्निंग। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम जो है वो शिफ्ट होता है और लर्न करता है नई नई चीज़ों को, और जब नई नई चीज़ों को लर्न करता है तो नेचुरल सी बात है उसमें चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, विजन एंड इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, किसी नई चीज़ को, किसी नई मेथड को अडॉप्ट करना, और विजन क्या है, असेंबल करते हैं कि हम नई नई जो टेक्निक्स आती जाती हैं उसमें हम क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं अपने विजन में। स्ट्रेटेजिक अलायंस, अब जो स्ट्रेटजीज हम डिज़ाइन करते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो इसमें स्ट्रेटजीज हम कौन कौन सी एड ऑन करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जो लेटेस्ट स्ट्रेटजीज हैं उसको अपने ग्रुप में, अपने सिस्टम में क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। मैनेजमेंट ऑफ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, आप ये याद रखिए, जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगी, मैनेजमेंट कोलैबोरेट नहीं करेगी, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी चीज़ है, वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। ये सारा था किस में आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुँच पाए। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्लेस।